अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मकई की रोटी। मकई की रोटी बहुत ही मुश्किल है बनाना, मैं आपको आसान तरीके बनाना बताऊंगी। ये बगैर आटा गूंदे बनाएंगे इसको। इसके लिए मैंने आटा लिया है मकई का 2 कप, अंडा है मेरे पास 1 अदद, इसको मैंने अच्छी तरह फेंटी है, 1 टीस्पून नमक, 1 कप पानी और थोड़ा सा ऑयल। सबसे पहले आटे में नमक डालेंगे 1 टीस्पून, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। नमक मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। आधा पानी डालूंगा मैं पहले, सबसे इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं पानी और इसको मिक्स करते जाएंगे आटे को। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। अब बचा हुआ पानी और ऐड करेंगे। इसका बैटर तैयार करना है हमने। अब इसमें अंडा डालेंगे, अंडे को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर ना पतला होना चाहिए और ना गाढ़ा होना चाहिए। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। बैटर इस तरह से होना चाहिए, ना पतला हो और ना गाढ़ा हो। अब ये तैयार है रोटी बनाने के लिए। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। 1 कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगा है, 2-3 चम्मच ऊपर बस। पैन मैंने गर्म कर ली है, आग मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी है। अब इसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप घी और या मक्खन में बना सकते हैं। ऑयल का थोड़ा सा फुला लेंगे पैन के अंदर। अब मैं बैटर डाल दी हूँ पैन में, 3 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। अंडा डालने से हमारी रोटी सॉफ्ट बनती है और इसमें क्रैक भी नहीं पड़ते। अब 3 मिनट हो चुके हैं, अब रोटी की साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया रोटी के ऊपर। अब थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। रोटी को दोनों साइडों से गोल्डन होने तक पका लेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, रोटी के ऊपर बहुत अच्छा कलर आया गोल्डन। अब इसको हल्के हाथों से दबाएंगे। रोटी हमारी दोनों साइडों से गोल्डन हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं सारी रोटियां बना देती हूँ। सारी रोटियां मैंने बना ली हैं और प्लेट में मैंने निकाल ली हैं। साथ मैंने साग रखा है मक्खन के साथ, ये घर का बना हुआ मक्खन है, और रोटी में मैंने मक्खन रखा है। ये मक्खन के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।